सब यार, जो कि दुल्हन आई आपको दिलो जान से चाहता था उसे अपना भी लेता है। जैसे इसकी शादी हो जाती है और वह रूम में आता है और ऐसा फर्नीचर देखकर उसे शदीद गुस्सा आ जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है और अपनी माँ को भी बुलाता है और कहता है, मुझे अपना रूम वैसे ही सेट चाहिए। जिस पर इसकी माँ को मौका मिल जाता है दुल्हन आई आपको बातें सुनाने का। वो खूब उसे बातें सुनाती है और कहती है, जिस तरह मेरे बेटे के सर पर तुम्हारी मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, बहुत जल्द ये उतर भी जाएगा। ये सारी बातें सुनकर दुल्हन आई आप जो कि एकदम से घबरा जाती है, वो तो पहले ही डरी डरी घबराई हुई रहती है। सो आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग आने वाली एपिसोड का कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, सो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। सब यार, जो कि दुल्हन आई आपको दिलो जान से चाहता था उसे अपना भी लेता है। जैसे इसकी शादी हो जाती है और वह रूम में आता है और ऐसा फर्नीचर देखकर उसे शदीद गुस्सा आ जाता है और चीखने चिल्लाने लगता है और अपनी माँ को भी बुलाता है और कहता है, मुझे अपना रूम वैसे ही सेट चाहिए। जिस पर इसकी माँ को मौका मिल जाता है दुल्हन आई आपको बातें सुनाने का। वो खूब उसे बातें सुनाती है और कहती है, जिस तरह मेरे बेटे के सर पर तुम्हारी मोहब्बत का भूत सवार हुआ है, बहुत जल्द ये उतर भी जाएगा। ये सारी बातें सुनकर दुल्हन आई आप जो कि एकदम से घबरा जाती है, वो तो पहले ही डरी डरी घबराई हुई रहती है। सो आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग आने वाली एपिसोड का कितनी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं, सो अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा।